सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगी जहां से आप अलग अलग फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आप वहां से फ्री में कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी वहां से ले पाओगे। डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जिस वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, वहां पर आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। उन कोर्सेज को कंप्लीट करके आप उस पर्टिकुलर कोर्स की सर्टिफिकेट भी ले पाओगे। सो उसके लिए आप पहले गूगल में जाके सर्च करना openclassrooms.com, इसको आप सर्च करना। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यह थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको साइन इन करना है। सो यह साइन इन पर क्लिक करना। आप फेसबुक से साइन इन कर सकते हो, गूगल से, फिर डायरेक्ट अपना ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे एंटर करके कर सकते हो। तो चलिए मैं साइन इन कर लेती हूँ। साइन इन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अपना प्रोफाइल। आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करना। उसके बाद आपको क्लिक करना है फ्री एक्सेस कोर्सेज पर। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज देखने मिलेंगे। आप यहां से कोई भी कोर्स अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके सीख सकते हो। फ्री एक्सेस है इन कोर्सेज का। आप फिल्टर्स पर क्लिक करना। जैसे फिल्टर्स पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे। कैटेगरी पर क्लिक करना। कैटेगरी में आपको कोर्सेज, यहां से थ्री ऑप्शन है, या तो कोर्सेज, या तो पाथ, या तो ऑल। आपको कोर्स करना है तो कोर्स पर क्लिक करना। उसके बाद आप यहाँ टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, टॉपिक पर क्लिक करके। अगर आपको बिजनेस के रिलेटेड कोई कोर्स करना है तो बिजनेस सेलेक्ट करना। अगर आपको डाटा के रिलेटेड करना है, या फिर डिज़ाइन, या फिर डेवलपमेंट, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज के रिलेटेड कोई कोर्स करना हो, या फिर मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, या फिर सॉफ्ट स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल्टर कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ बिजनेस और ह्यूमन रिसोर्स को सेलेक्ट करती हूँ और इसको क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद आप यहां से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। टू लैंग्वेज अवेलेबल है, इंग्लिश और फ्रेंच। आप अपने अकॉर्डिंग यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपने जो भी फिल्टर किया है, आपको रिजल्ट्स यहां पे नीचे देखने मिलेगा। यहां पे व्यू 10 रिजल्ट्स है। इसके जो भी मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है उनके ऊपर इतने कोर्सेस है। सो मैं रिजल्ट्स देखने के लिए यहां पे क्लिक करना। जैसे आप देखोगे उस पर क्लिक करके, तो आपके सामने ये कोर्सेस आएंगे। ये बिजनेस का कोर्स, उसके बाद आपको यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का कोर्स। सो मैंने जैसे फिल्टर किया, उसके अकॉर्डिंग जितने भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। सो अभी कोर्स को एनरोल करने के लिए इस कोर्स पर क्लिक करना। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कोर्स का ड्यूरेशन है 6 आवर्स और लेवल है ईजी। आपको सर्टिफिकेशन एट द एंड मिलेगी यहाँ पर। ये आपकी प्रोग्रेस लाइन है। आप जैसे जैसे कंप्लीट करोगे लेक्चर्स, यहाँ से आपका प्रोग्रेस होता रहेगा। जैसे आप अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये डेवलप योर करियर प्लान का जो है, इस कोर्स के वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप वीडियो देख सकते हो और इसका कंटेंट आपको नीचे लिखा हुआ भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट द कोर्स पर क्लिक करना है। कोर्स सेलेक्ट कर लेने के बाद जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, वो है डिफाइन ए स्किल। सो आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो, या फिर यहाँ पे क्वेरीज है, आप वो भी देख सकते हो। ये सब आप कंप्लीट करने के बाद क्लिक करना है आपको आई फिनिश दिस चैप्टर, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। आप यहाँ पर प्रोग्रेस देख सकते हो। यहाँ पे आपको धीरे धीरे ऐसे प्रोग्रेस करते रहना है। एट द एंड आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई यूअर स्किल्स। आप यहाँ वीडियो देख सकते हो, उसका कंटेंट आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आपको फिर फिनिश पर क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्रेस हो रहा है। सो वैसे ही आपको सब सारे कोर्सेस कंप्लीट करना है। एक एक कोर्स को विथ लेवल्स कंप्लीट करना है। एट द एंड आपको एक क्विज रखा जाएगा, उसकी उसको क्वालिफाई करना है, फिर आपको उसकी सर्टिफिकेट मिल जाएगी। जैसे आप कंप्लीट कर लोगे कोर्स को, आपको इस तरीके की सर्टिफिकेट जनरेट होगी जहां पर आपका नेम होगा,
आपका डेट ऑफ बर्थ होगा और आपने कौन सा कोर्स क्वालिफाई किया है वो कोर्स यहाँ पे मेंशन होगा। बस यहाँ पे देख सकते हो ओपन क्लासरूम्स की तरफ से ये सर्टिफिकेट दी गई है। सो आप इस तरीके से वहाँ से कोर्सेज को कंप्लीट करके सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो। आपने जिस भी कोर्स को एनरोल किया है अगर आप उस कोर्स को देखना चाहते हो तो आप प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे डैशबोर्ड पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कोर्सेज टेकन, आपको यहाँ पे आपके कोर्सेज दिख जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।